रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट द यंग मॉडुलस ऑफ द रबर इज ग्रेटर देन रेट ऑफ स्टेल. सेकेंड द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कोयल इज डिटरमाइंड बाई शेयर मॉडुलस. ओके तो फर्स्ट क्या बोला, यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील, ये बोला. अब यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तब अपन यंग मॉडुलस बोल सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं रबर को स्ट्रेच करता हूँ, ये मेरा रबर है, इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, स्ट्रेच करता हूँ, एक मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो स्ट्रेन कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा ये, तो यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा होगा रबर में. और अगर इसी में स्टील वायर को फोर्स लगाता हूँ, सेम फोर्स और स्ट्रेच करता हूँ, तो उसमें जो स्ट्रेन होगा, उसमें जो लेंथ का एक्सपेंशन होगा वो बहुत कम होगा. स्टील में लेंथ का एक्सपेंशन कम होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेन इन रबर इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन स्टील. क्लियर है, रबर में स्ट्रेन ज़्यादा होगा, राइट. अगर रबर में स्ट्रेन ज़्यादा हुआ तो यंग मॉडुलस क्या होगा, यंग मॉडुलस कम होगा, ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा. अगर यंग मॉडुलस कम होगा, यानी ये क्या बोल रहा है, विच द यंग मॉडुलस ऑफ द रबर इज ग्रेटर देन, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ से अपने पता है रबर का स्ट्रेन ज़्यादा है, तो स्ट्रेन ज़्यादा है तो यंग मॉडुलस कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो अपन ने दोनों में सेम अप्लाई किया ना, फोर्स तो दोनों में सेम अप्लाई किया, एरिया भी अपन सेम ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेन रबर का ज़्यादा है, यानी कि यंग मॉडुलस रबर का कम होगा, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, यानी स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है कंपेयर टू रबर. ओके नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, द स्ट्रेचिंग ऑफ द कोयल इज डिटरमाइंड बाई इट्स शेयर मॉडुलस. अब अगर कोयल को मैं स्ट्रेच करता हूँ, ये कोयल है, इसको यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, तो ये क्या इलेप्टिकल बनेगी शेप, तो इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, शेप और साइज चेंज हो रहा है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये शेयर मॉडुलस होगा. क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, शेयर मॉडुलस ही होगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि अपने यंग मॉडुलस में पढ़ा है, यंग मॉडुलस में क्या होता है, लेंथ में चेंज होता है, क्या होता है, लेंथ में, यहाँ पर मैं फोर्स लगा दूँ mg, तो इसमें लेंथ चेंज होगा, ठीक है. और बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि आप चारों तरफ से इसके ऊपर सभी साइड से ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज होता है, राइट, तो वो किस में बल्क मॉडुलस आता है, यानी पानी के अंदर बात करते हैं अपन, लिक्विड के अंदर. और शेप मॉडुलस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और शेप और साइज चेंज होता है तो शेप मॉडुलस होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है.